फाइनली हमारे गेम का न्यू अपडेट आ चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में एक न्यू गन को ले लिया और साथ ही आप लोग पहले यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में जेट को ले लिया और अपने गेम में जेट को एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और उसको ड्राइव करने में उसका चीट कोड नंबर क्या है चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को अपने गेम में आईजी टूल में इसका चीट कोड नंबर लगाना है G8। चलो पूरा चीट कोड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे और साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में न्यू बोट को भी ले लिया और बोट को भी एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो इस बोट का चीट कोड नंबर क्या है चलो आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों को बुलेरो कार का चीट कोड दो जेट पैक का चीट कोड ऐप पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने मैप को भी ओपन इजिली कर सकते हो। ऑप्शन को कैसे ओपन करना है ये भी आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है तो एक एक करके चीट कोड पता है तो आप लोग अपने गेम में चीट कोड लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। बाद में आप लोग कमेंट करके मत बोलना कि गाइस मैंने आप लोगों को न्यू चीट कोड नहीं बताया। तो बिना किसी देरी चलो वीडियो को स्टार्ट और आप लोगों को एक एक करके चीट कोड बता देता हूं और जैसे मैं अपने गेम में न्यू चीट कोड करता हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। बिना किसी देरी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट गाइस छोटे से इनक्वायरी करता हूं फिर से और आज की जो वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ अमेजिंग से चीट कोड बताने वाला हूं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को चीट कोड बताता हूं जैसे कि आप लोग अपने गेम में न्यू जेट को कैसे ले सकते हो और अपने गेम में आप लोग न्यू मैप को कैसे ओपन कर सकते हो और आप लोगों को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो न्यू वेपन्स को भी मैंने अपने गेम में ले लिया और अपने न्यू वेपन्स को भी एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी कैसे ले सकते हो ये चीट कोड नंबर आप लोगों को लास्ट में जरूर से बताने वाला हूं। ठीक है तो लोगों को पहले सबसे पहले तो डायल कर लेना है अपने गेम में 606। तो अपने गेम में अगर आप लोग 606 डायल करोगे तो आप लोगों के गेम में होगा एक न्यू फायर इंजन स्पॉन और जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपना जो न्यू फायर इंजन है वो काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है। ओके सेकंड चीट कोड नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं सेकंड चीट कोड नंबर भी काफी ज्यादा यूनिक होने वाला गाइस। आप लोगों को कुछ नहीं करना सेकंड चीट कोड नंबर है 3 एंड उसके बाद आप लोग 100 लगाओगे तो वैसे आप लोगों के गेम में आ जाएगी अपनी न्यू बुलेरो कार और देख ही सकते हो बुलेरो कार भी काफी ज्यादा अमेजिंग। सेकंड चीट कोड मैं आप लोगों को बता देता हूं इंडियन बैकग्राउंड के अंदर जैसे आप लोग अपने गेम में 33 एंड 0 डायल करोगे तो आप लोगों के गेम में आ जाएगी काफी ज्यादा यूनिक सा जेट पैक वो की मिनी जेट पैक। ठीक है सेकंड मैं आप लोगों को बता देता हूं इंडियन बैकग्राउंड के अंदर जो कि अपने गेम में बड़ा वाला जेट पैक का चीट कोड होना है। जैसे आप लोग अपने गेम में 3 and 2 0 डायल करोगे तो आप लोगों के गेम में बड़ा वाला भी जेट पैक आ जाता है। ठीक है अभी आप लोगों को बता देता हूं अपने गेम में बोट का चीट कोड नंबर तो बोट का चीट कोड नंबर आप लोगों को यहां पे डायल नहीं करना है यहां पे आप लोगों को मैं डायल करके दिखा देता हूं अपने गेम में बोट का चीट कोड नंबर डायल करने वालों बेस्ट बेस्ट आप लोगों को भी करना है। साथ ही आप लोगों को पहले बता रहा हूं ये वाला जो जेट पैक जेट है वो मैंने इसको कैसे लिया और अपने गेम में ये वाला जो जेट है वो आप लोग भी अपने गेम में कैसे ले सकते हो। तो आप लोगों को अपने गेम में सबसे पहले आप लोगों को एयरपोर्ट पे जाना है तो जल्दी से हम लोग एयरपोर्ट पे चलते हैं और एयरपोर्ट पे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूं अपने गेम में जेट को आप लोग किस तरह से ले सकते हो। ठीक है तो जेट को आप लोगों को अपने गेम में यहां पे भी मैं आप लोगों को स्पॉन करवा के दिखा सकता हूं बट आप लोगों को अपने गेम में जो जेट है वो आप लोगों को एयरपोर्ट पे जाने के बाद ही आप लोग उसको एंजॉय कर पाओगे। ठीक है साथ ही मैं तुमको पहले इंडियन बैकग्राउंड के अंदर न्यू जेट को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को अपने गेम में एक छोटी सी ट्रिक को बताता हूं ट्रिक ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली तो लास्ट वीडियो को इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर से देखना एंड साथ ही आप काफी उन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए काफी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए इससे रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। साथ ही इंस्टा पे फॉलो नहीं किया इंस्टा पे फॉलो कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी तो वहां पे भी मेरे को फॉलो कर लेना एंड अब आप लोगों को बता देता हूं इंडियन बैकग्राउंड के अंदर पहले न्यू जेट पैक का जेट का चीट कोड तो अपने गेम में जेट का चीट कोड बताने से पहले एक छोटी सी ट्रिक को देखने वाले तो ट्रिक ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली तो इस ट्रिक को आप लोगों को ध्यान से देखना और ट्रिक में काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो आप लोगों को पहले अपने गेम में जेट को स्पॉन करवा लेना और आप लोग अपने गेम में इसके अंदर इजी तरीके से बैठ जाना और इसको बैठने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना आप लोगों को इसको थोड़ा सा उड़ा लेना और उड़ाने के बाद आप लोगों को बिल्कुल इस पानी में धक्का देना है जैसे कि मैं अपने गेम में इसको जेट को आप लोगों को इस पानी के अंदर लैंड करवा देना जैसे कि मैंने अपने गेम में स्विमिंग पूल में लैंड इसको करवा दिया। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना आप लोगों को इजीली तरीके से उतर जाना है उतरने के बाद आप लोगों को ऊपर नहीं चढ़ना है ऊपर चढ़ना नहीं है उसके बाद आप लोगों को दोबारा से इसके पास जाना है और आप लोगों को इसके अंदर क्लिक कर देना उसके बाद अपने गेम में आप लोग जैसे ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे आप लोग अपने गेम में जेट पैक पे क्लिक करोगे आप लोगों का जो करेक्टर है वो देख ही सकते हो कैसा हो चुका है। अबे भाई क्या हो चुका है तेरे को अबे ये तो अलग ही ट्रिक होगी आप लोग भी अपने गेम में ट्राई करके देखना मेरे को तो काफी ज्यादा यूनिक ट्रिक लगती है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं इंडियन बैकग्राउंड ट्रिक के अंदर न्यू चीट कोड एंड ये ट्रिक अगर पसंद आई तो ये वाला इमोजी मेरे को जरूर से भेज देना ठीक है। मैं न्यू जेट को हम लोग डायल कर लेते हैं और जेट को मंगवा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ठीक है। तो जेट को आप लोगों को अपने गेम में यहां पे डायल करके देखने वाले अब ये वाला जो जेट पैक है वो काफी ज्यादा यूनिक होने वाला तो आप लोगों को मैं चीट कोड नंबर बता देता हूं देखने वाले अपने गेम में जेट को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने गेम में जेट को एंजॉय करने के लिए आप लोगों को पहले अपने गेम में GET लिख देना यहाँ पे जेट ठीक है। आप लोगों को एक बार नहीं लिखना आप लोगों को 2-3 बार लिख देना है जैसे कि मैं अपने गेम में यहाँ पे 2-3 बार को जेट लिख रहा हूँ ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी अपने गेम में 2-3 बार जेट को स्पॉन कर देना ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना जेट आप लोगों ने स्पॉन कर दिया उसके बाद आप लोगों को आसमान में बहुत सारे जेट देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलते हैं आप लोग इनको ऊपर से भी जाके एंजॉय कर सकते हो मुझे तो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई आपको कैसे देखने को
मिलते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे पास काफी दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई अपने गेम में हम लोग इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसका चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे जो जेट पैक को देख रहे हो वो आप लोगों को इस वाले अपडेट में देखने को मिलने वाला है। बट हाँ, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ अपने गेम में एक हेलीकॉप्टर का चीट कोड। जैसे आप लोग अपने गेम में 8000 डायल करोगे तो इसको आप लोग ड्राइव कर सकते हो, 5000 डायल करोगे तो आप लोग 5-5 3 बार डायल करोगे तो इसको भी ड्राइव कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को अपने गेम में ये वाला जो जेट पैक है उसको आप लोग इस वाले न्यू अपडेट में एंजॉय कर पाओगे। गेम की डेवलपमेंट ने कुछ ऐसा बोला है। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना क्या इस वाले न्यू अपडेट में ये वाले जेट है वो आप लोगों को अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को बता रहा हूं इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को एक न्यू गन देखने को मिलने वाली जो कि फन गन होने वाली है, एंड जो कि फन गन ये वाली होने वाली है। तो ये वाली फन गन आप लोगों को अपडेट में देखने को मिलने वाली है। गेम की डेवलपर ने बोला कि इस वाले न्यू अपडेट में 50% चांसेस है। अगर आप लोग भी सभी एक्साइटेड हो अपने गेम में ये वाली फन गन को ऐड करवाने के लिए तो सभी फन गन ओपी जरूर से लिख देना। साथ ही अब मैं बता रहा हूं इंडियन फैक्ट्री के अंदर अगर आप लोगों की ज्यादा डिमांडिंग रहेगी तो मैं पक्का आप लोगों की फन गन को भी ऐड करवा दूंगा। अब आप लोगों को बता रहा हूं इंडियन फैक्ट्री के अंदर आप लोग किस तरह से अपने मैप को ओपन कर सकते हैं। तो यार अगर आप लोग अपने गेम में मैप पे क्लिक करते हो तो मैप अपना ओपन नहीं होता है। तो आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांडिंग आ रही थी भाई मैप को हम लोग क्यों नहीं ओपन कर पा रहे हैं। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं हमारे गेम के डेवलपर बोला है कि इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को अपना मैप को भी मतलब थोड़ा वीक करा जाएगा और अपने गेम में जो मैप है उसको भी ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। ठीक है, मतलब आने वाला जो अपडेट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और अपडेट में आप लोगों को इस मैप को भी आप लोग ओपन कर पाओगे। बट अभी तो पूरा 50% चांसेस नहीं है, बट आने वाले अपडेट में अगर देखने को मिल सकता है तो मैं तुमको बता दूंगा। आप लोगों को बता रहा हूं इंडियन बैकग्राउंड के अंदर आप लोग वोट को कैसे ले सकते हो, तो वोट का चीट कोड नंबर के लिए रेडी हो जाओ या फिर याद भी कर सकते हो। अपने गेम में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अपने गेम में यहाँ पे मैं वोट को स्पॉन करवाना चाहता हूँ। तो मैं अपने गेम में फोन को निकालता हूँ और अपने गेम में यहाँ पे आप लोग को डायल कर देना 222 और जैसे डायल करोगे तो आप लोग की गेम में ATV बाइक स्पॉन हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि गाइस इस वाले अपडेट में आप लोग को ये ATV बाइक देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि गेम की डेवलपर का ये कहना है इस वाली अपडेट में इसको मॉडिफाई करके और आप लोगों को वोट बना दिया जाएगा और ये जो वोट है वो आप लोगों की इस तरह से ऊपर ऊपर रहेगी, मतलब इसके जो पहिए हैं वो तो रिमूव हो जाएंगे और ये वोट बन जाएगी। ठीक है, मतलब इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा और आने वाला जो अपडेट है वो आप लोगों को फिक्स डेट बता दूं और गेम के डेवलपर ने क्या बोला ये भी आप लोगों में बता देता हूं। आप लोग मेरे पास काफी दिन से कमेंट करके बोल लेते हैं कि भाई अपना जो सेकंड वाला अपडेट है वो आप लोगों को अपने गेम में हमको कब देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नए साल के दिन हमको अपना न्यू अपडेट देखने को मिला। न्यू अपडेट में आप लोगों को एक बुलेरो कार देखने को मिली जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी, दो जेट पैक देखने को मिले, एक फायर इंजन देखने को मिला जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। वाले अपडेट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा और अपडेट की फिक्स डेट क्या होने वाली वो भी आप लोगों को चलो मैं बता देता हूं। तो आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में सर ने बोला कि निसान GTR कार को ऐड करूंगा और साथ ही अपने गेम में न्यू बोट को ऐड करूंगा और साथ ही और मैप भी ऐड हो सकता है, 50% चांसेस है। ठीक है, साथ ही आप लोगों को ये भी बता देता हूं इंडियन बैकग्राउंड के गेम के डेवलपर की एक फन गन को भी ऐड करने के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, साथ ही इंडियन बैकग्राउंड के अंदर जो अपडेट की फिक्स डेट होने वाली है तो अभी 1 तारीख को न्यू अपडेट आया था और अपना जो सेकंड वाला न्यू अपडेट है वो आप लोगों को अगले महीने देखने को मिलेगा, मतलब आप लोगों को फरवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। अभी गेम के डेवलपर ने गेम के ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया है और सर ने बोला कि अगर आप लोगों को कोई और चीज न्यू चीज को फेवरेट जो आप लोगों की जो फेवरेट और सबसे ज्यादा मन पसंद चीज है जैसे कि JCP और आर्मी हेलीकॉप्टर तो अगर आप लोग भी उन दोनों को भी ऐड करवाना चाहते हो तो आप लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जितने ज्यादा अगर आप लोग के कमेंट होंगे तो अपडेट आने वाले अपडेट में आप लोगों की वो चीज पक्का आने वाली है। ठीक है, साथ ही बता रहा हूं इंडियन बैक्टर के अंदर इस वाले जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों को मैंने बता दिया फरवरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड फरवरी की 1 तारीख को देखने को मिल सकता है इस वाले जो न्यू अपडेट। ठीक है, तो जो गेम के डेवलपर था उनकी तरफ से मेरे को कुछ इतनी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई थी एंड जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गेम से रिलेटेड। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी एंड इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लेते हो तो सेकंड वीडियो में जैसे अपने गेम में न्यू चीट कोड आएंगे वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता पाऊंगा, साथ ही आप लोगों को अपने गेम में जैसे अपडेट आएगा उसके भी चीट कोड मैं आप लोगों को सबसे पहले रिलीज कर पाऊंगा। लेते हैं कुछ इतना ही और जैसे अपडेट आएगा और अपने गेम में नए चीट कोड आएंगे तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग रेडी रहना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखना। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं आप लोगों से गुड बाय, टेक केयर।